कृषि मंत्री सचिन यादव का कहना है कि उनकी सरकार ने किसानों के लाखों के कर्ज माफ कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर किसानों के नाम पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। यादव का कहना था कि भाजपा ने पिछले 15 वर्षों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। हमारे वचन के अनुसार जो किसानों का ऋण माफ करने का एक संकल्प हमारी सरकार ने लिया था, और जिस प्रकार से पिछले पूर्व की सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो एक कलंक मध्य प्रदेश के माथे पर लगा था, उस कलंक को धोने के लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और उसी दिशा में जो है हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत हालात में, विपरीत वातावरण में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस प्रदेश की कमान संभाली तो एक खाली खजाना हमारे सामने था, लेकिन इन सारी परिस्थितियों को पार करते हुए हमारी सरकार ने अब तक 20 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ करने का काम हमारी सरकार ने करा है। लगभग 7,000 करोड़ रुपए का ऋण हमारी सरकार ने माफ करने का काम किया है, और ये जो तस्वीर आज हमारे किसान की आई है, जहाँ पर जो खरगोन जिले का हमारे किसान है, बड़वा विधानसभा से आता है, थरवर गांव का है, उस किसान साथी ने जो कि आज पूरे देश और प्रदेश में दीपावली का जो है पर्व मनाया जा रहा है, और ऐसे समय में उस किसान ने जो ऋण माफी का जो प्रमाण पत्र उसमें उसको मिला है, जहाँ पर उसका लगभग 1,83,000 रुपये का जो है हमारी सरकार ने ऋण माफ करने का काम किया है, और जिस प्रकार से जो वो किसान साथी जो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो पर जो है तिलक लगा रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से पूर्व की जो सरकार है, पूर्व की सरकार में जो उनकी नीतियाँ थी किसान विरोधी नीतियों के कारण जो है किसान की आवाज़ दबी हुई थी, किसान एक डर के माहौल में जो जी रहा था, और किस प्रकार से जो है कर्ज के दलदल में वो फंसा हुआ था, आज उसकी ये जो भावना है, उसकी जो है कहीं ना कहीं उसकी उसकी खुशी जो है इस तस्वीर के माध्यम से जो है उसकी खुशी जो है दिखाई देती है, और ये कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करता है कि किस प्रकार से ऋण माफी का लाभ जो है हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को और हमारे किसान साथियों अपनी खोई हुई राजनीति जो है वापस पाने के लिए, और इस समय पर किसानों के नाम पर घरेलू आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। जब प्रदेश के किसानों ने 15 साल तक एक लंबा समय जो है उनको सरकार चलाने का मौका दिया, सरकार चलाने का अवसर दिया, लेकिन उन 15 सालों में उन्होंने किसान साथियों को झूठ नहीं दिया। अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है किसानों को बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े वादे दिखाए, बड़े बड़े नारे दिए, चोरी से लेकर ट्रैक्टर तक की कर्ज माफी का नारा दिया, 50,000 रुपये तक की कर्ज माफी का नारा दिया, 15 लाख रुपए जो है किसानों के खाते में डालने का नारा दिया। तमाम नारे, तमाम सपने, तमाम वादे जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के किसानों को, भोले भाले किसानों और अन्नदाताओं को दिखाए, लेकिन सरकार बनने के बाद, उनका अमूल्य वोट मिलने के बाद एक भी वादे को, उन्होंने एक भी सपने को पूरा करने का काम नहीं किया। और मैं तो अनेक अवसरों पर कह चुका हूँ, मैंने चुनौती भी जो है भारतीय जनता पार्टी को दी है कि उनके 15 साल के कार्यकाल में अगर उन्होंने एक भी किसान का ऋण माफ किया है तो वो नाम बताए, अन्यथा मेरे साथ में चले, और हमारी सरकार ने जो 20 लाख से अधिक किसानों का जो ऋण, पूरे प्रदेश के किसानों का ऋण माफ करने का काम किया है, मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो उनके नेता जो सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, मेरे साथ चले। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।